ये भाई देख रहे हो ना, पहनना सही ना, पहनना अभी क्या पहनेंगे यार, इसको उद्घाटन कीजिए, उद्घाटन करें इसको, इसमें माउंट करना पड़ेगा फिर पहनेंगे इसको। और आप लोग पूछते हो ना गाइस कि आप माइक कौन सा यूज़ करते हो, तो देखो ऐसे दिखता है, ये है सोनी का माइक। अरे नहीं मारेंगे बिली यार, कहले बिली मारेंगे। अच्छा तुम आगे खसक के बैठो थोड़ा सा, इतना छोटा आदमी हो, इतना बड़ा सीट है, बस बीच में एक हेलमेट रखा हुआ है तो भी से नहीं बन रहा है, बताओ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो देखो भाई, आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अपने साथ थोड़ा कांड हो गया था पुलिस वाले के साथ, और पुलिस वाले अपने हेलमेट खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगर हम लोग का हेलमेट खुल गया होता तो भाई हम लोग पिला गए होते, बट हेलमेट नहीं खुला और मेरा जो हेलमेट है ना वो काफ़ी ढीला हो रखा है। तो उस दिन जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से अब हम सोच रहे हैं कि अपना हेलमेट हम अपग्रेड कर लें, मतलब हेलमेट हम चेंज कर लें, थोड़ा सा इस बार टाइट वाला हेलमेट लेंगे। एक तो ये पहले से ही ढीला था और इसको पहन पहन का हम इतना फैला दिए हैं ना, मतलब चौड़ा हो गया है, समझ रहे हो। और हम आप लोग को भी यही चीज़ बोलेंगे कि ज़्यादा मतलब फ्री फ्री वाला हेलमेट मत पहनना, क्योंकि अगर आप कुछ कभी वैसे क्रैश वगैरह होते हो ना तो हेलमेट है ना वो उतर भी सकती है, तो समझ रहे हो। तो सेफ्टी पे तो अपने को फुल ध्यान देना है। एंड उस दिन हम लोग को एक और चीज़ पता चला कि देखो हेलमेट बस क्रैश होने से नहीं बचाती है, और भी चीज़ों के लिए बचाती है। तो प्रोटेक्शन भाई हर चीज़ में ज़रूरी है, आप हेलमेट पहन के घूमो, और बाकी और भी हेलमेट आते हैं वो सब भी हेलमेट आप पहन सकते हो। भाई देख रहे हो ना, रोड को इतना चाप के रखा है ये लोग कि हमको पूरा नीचे से घुमा के लाना पड़ रहा है, भारी सीन। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे इंडियन टायर्स, और एलिस लोग पहले से ही वहाँ पे पहुँचा हुआ है, बस हम सबसे पीछे रहते हैं यार। और आप लोग आजकल बोलते हो ना कि भाई आपका ब्लॉग लेट लेट क्यों आ रहा है, तो देखो भाई अभी ब्लॉग्स लेट आने का कारण ये है कि मौसम, अगर मान के चलो रांची में एक छोर में बारिश नहीं हो रही ना तो दूसरी छोर में बारिश होती है, ऐसा वाला सीन होता है। वैसे मौसम में कहाँ निकलोगे यार, रेनकोट के सहारे तो हम ब्लॉग नहीं ना बना सकते हैं, क्योंकि रेनकोट बस अपना बॉडी को भींगने से बचाएगी, बाकी गोप्रो वगैरह सब तो भीग ही रह जाएगा। इसीलिए आजकल डेली निकल नहीं पा रहे हम लोग, और पिछला बार निकले थे भाई अपने साथ सीन हो गया था, नाइटमेयर। अरे 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 रे, इधर देख रहा ना पूरा जेसीबी से खुदाई हुई है, रास्ता ही चेंज हो गया पूरा। देख रहे हैं चुप रहा, ब्लॉग में आ जाएगी वो तो आ गया, तो आ गया। हाँ जूम करके डाल देंगे हम, नहाए भी नहीं है साला, भागे इसने, वीडियो एडिट कर रहे थे। हाँ एक ये। हाँ वो देखे थे, ये भी देखे थे, ये भी देखे थे। हाँ बट मेरा बाइक के हिसाब से ये शूट करेगा। एल एल हम पहन के देखे थे, ठीक ही था। अरे भाई ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा ना, ये भाई देख रहे हो ना, पहनना अभी क्या पहनेंगे यार, इसको उद्घाटन करें इसको, इसमें माउंट करना पड़ेगा फिर पहनेंगे इसको। अच्छा ना पहले का। हाँ हम गलत ले रहे हैं, तुम गलत इशारा कर रहे हो क्या हुआ? हाँ तो मेरा गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ हाँ पहनो। देखो भाई अपना हेलमेट हम लोग ले लिए हैं, बाकी चीज़ें घर जाके दिखा देंगे, और हम चलाएंगे KTM ड्यूक 250। रूम ना सीधे। हाँ बैठ जा। भाई 250 का अलग ही मजे है। फ्यूल रेंज तो लो दिखा रहा है रे एलविस। अरे नहीं मारेंगे बिली यार, कहले बिली मारेंगे। अच्छा तुम आगे खसक के बैठो थोड़ा सा, इतना छोटा आदमी हो, इतना बड़ा सीट है,
बस बीच में एक हेलमेट रखा हुआ है तो अभी से नहीं बन रहा है, बताओ। तो अभी हम लोग जाएंगे एलविस का रूम और वहीं पे अपना न्यू हेलमेट में गोप्रो माउंट करेंगे। उसके बाद आज प्लान है शाम में निकलने का, देखते हैं क्या सीन होता है। बट पहले तो भाई ये ट्रैफिक से निकला जाए, देख रहे हो ना गाइस। क्या पुल करती है 250 सीसी, इनफ है इनफ। जब आप 155 सीसी का बाइक चलाते हो और सडनली आप 250 पे जाते हो, समझ रहे हो कितना डिफरेंस फील होता है। अरे भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो भाई बहुत लो है, तुरंत सड़ जाता है। इसमें सेकंड गियर भी इजीली पॉप अप हो जाएगा विली, हमको जहाँ तक लगता है। देख रहे हो ना भाई, पावर पावर देखो पावर गाइस, जो भी गियर में हम खींच रहे ना पट से जा रही है। चलो भाई पहुंच चुके हैं एलिस का फ्लैट, आइला जादू, जहां देखो वहां लाइनअप लगा देते हैं भाई हम लोग। इसको काटना का है यार, यहां से इसको निकालो, कुछ तो रिवील होने वाला है गाइस। कोई भी गाड़ी का चाबी दो ना। Here is my new helmet. अरे भाई कैसा दिख रहा है बताओ? कहीं खरीदे तो रेड वाला कहीं दिए? अरे भाई तो इसमें करना है हम लोग को अभी गोप्रो माउंट, उसके बाद यही वाला हेलमेट यूज़ करेंगे। तो भाई ये है MT थंडर 4 और इसका प्राइस तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद गूगल में देख लेना और हमको कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका कितना पड़ा होगा। और ये हेलमेट मेरे को काफ़ी सही लगा, कलर भी अच्छा है और डिज़ाइन भी अच्छा है। हम लोग इसमें करेंगे अपना गोप्रो माउंट और फिर आज पतरातु जाने का प्लान है। आज नया हेलमेट के साथ पूरा रोला होगा, उद्घाटन भयंकर वाला। पहन के देखो एलविस कैसा दिखता है। हम एक्सचेंज करिएगा। हाँ भाई नोट इसका अनबॉक्सिंग कर लीजिए। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो इसका ग्लास सरप्राइज। मस्त है, कंफर्टेबल है ना एकदम। धीरे धीरे हो रहा है जो कोई पहनता है। अरे भाई सही बोल, पूरा कंफर्ट है गाड़ी में। नहीं कंफर्ट तो है, पूरा कंफर्ट। अभी अभी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि अभी नया नया ना मतलब ढीला हो जाता है हल्का सा, अभी हिस्सीर वैसे नहीं हो रहा है। देखो अपना मैकेनिक एलिस, तुम यही सब काम करो, आपसे करबला में बैठ जाते हैं। करबला में बैठ जाओ, आइए गोप्रो माउंट कराइए। 150 रुपया लगेगा, 150 रुपया लगेगा। और इसमें से अभी हम माइक भी निकालेंगे और इसी में इंस्टॉल करेंगे। गाइस एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि हेलमेट आप लोगों को कैसा लगा। पर्सनली हम बताएं तो भाई हमको पसंद था, काफ़ी समय से हम प्लान भी कर रहे थे कि कोई नया हेलमेट लेंगे, बट हमको मेन बात कलर पसंद नहीं आ रहा था इसलिए हम नहीं ले पा रहे थे, बट ये एक ही बार में पसंद आ गया। और आप लोग पूछते हो ना गाइस कि आप माइक कौन सा यूज़ करते थे, देखो ऐसे दिखता है, ये है सोनी का माइक स्टीरियो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, आप चेक कर। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा। अबे तुम का खुंदा है अनिस, गोबर खुंदा है कि फिर इंसानी गोबर ने ना खुंद दिया है? स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड को पहले ऊपर करो। हाँ तो गाइस हम लोग अभी निकलने वाले हैं पतरातु राइड पे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, कितना टोटल 6 लोग और 4 बाइक है अपने पास। आगे में होगी भाई ज्वाइन करेंगे हर्ष भैया, अनिल भैया आज तो है प्रॉपर, नया हेलमेट नया सेटअप। तुम लोग काड़ा काड़ा यहाँ बैठो, गाड़ी भी काड़ा, गोबर खून के हम अल्ट्रा काड़ा हो गया, काड़ा प्रोमैक्स। दिखा दी दूरबीन, दिखा कहाँ से फोटो लिया है, वो हो गया सब लिया, देखा अभी तो बंद है।
तो गया बेटे।